नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हेल्थ एवेयरनेस। दोस्तों आज मैं बात करूंगा अश्वगंधा चूर्ण के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो देश में बहुत गंभीर स्थिति अभी बनी हुई है COVID-19 को लेकर, और जिस तरीके से वायरस फैल रहा है और ये जो है दोस्तों अब युवाओं को भी बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट कर रहा है, तो कैसे जो है हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि जो है ये वायरस हमें से हम बच सकें, या जो अगर हमें इफेक्ट भी करे तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग रहे कि हम जो है उससे अच्छे से लड़ सके। तो उसमें जो है दोस्तों अश्वगंधा जो है वो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आप देख पा रहे होंगे जो बाबा रामदेव ने जो दवाई बनाई है उसमें भी जो है उन्होंने अश्वगंधा का प्रयोग किया है। अश्वगंधा दोस्तों इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो है हमारे शरीर में जो है दोस्तों स्फूर्ति पैदा करता है, हमारे शरीर को ताकत देता है। हमारे बॉडी में जो कमज़ोरियाँ होती हैं दोस्तों, और अगर हमें कोई किसी तरीके का कोई भी बॉडी पेन रहे, अगर आपको अर्थराइटिस भी है तो उसमें भी जो है दोस्तों अश्वगंधा बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल है। बट पाउडर फॉर्म में नहीं दोस्तों, अगर उसकी आपको फ्रेश लीव मिलती है तो उसका जो है अगर आप काढ़ा बना के पीते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों जो अगर आपको अर्थराइटिस है या किसी भी तरीके का रूमेटॉइड पेन है तो उसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे। मैंने यहाँ पे देखे डाबर का जो है अश्वगंधा चूर्ण लिया है जिसका MRP जो है दोस्तों 90 रुपीज़ है, और ये 60 ग्राम में मिलता है। आप चाहें तो दोस्तों पतंजलि का भी ले सकते हैं क्योंकि वो उससे सस्ता भी पड़ता है और जो है ग्राम्स में भी ज़्यादा आता है, वो 80-85 रुपीज़ का आता है और 100 ग्राम्स मिलता है। और जो डाबर का है दोस्तों वो 90 रुपीज़ का 60 ग्राम्स है। पर दोनों में जो मैंने क्वालिटी डिफरेंस देखा है दोस्तों, वो जो है डाबर का जो अश्वगंधा पाउडर है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ है, और अपना जो पतंजलि का जो अश्वगंधा पाउडर है वो हल्का सा दर्द रहा है। तो ये क्वालिटी का फ़र्क है। आप चाहे तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बारीक पीसा पसंद है तो आप जो है डाबर का खरीदिए, अगर आपको थोड़ा सा दर्द रहा पसंद है तो आप जो है पतंजलि का ले सकते हैं। तो दोस्तों इसे यूज़ कैसे करना है, आप चाहे तो इसे अगर दूध में ले तो ज़्यादा दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको जो है इसके फ़ायदे मिलेंगे। अगर करीबन दोस्तों कोई भी दुर्बल व्यक्ति जो कमज़ोर है, जिसका वेट नहीं बढ़ रहा है या वो अंडर वेट है या उसको किसी भी तरह की कमज़ोरी है, या दोस्तों कोविड अभी चल रहा है, अगर कोविड से रिलेटेड कोई भी अगर वीकनेस आती है तो आप जो है हल्के को इनकुने पानी पानी में भी और दूध में भी, अगर आप दूध से लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप जो है कुनकुना दूध ले लीजिए और 1 चम्मच जो है अश्वगंधा पाउडर उसमें मिला के पी लीजिए, या जो है आप पहले 1 चम्मच पाउडर खा लीजिए और उसके ऊपर दूध पी लीजिए। और अगर आप दूध नहीं ले सकते हैं तो दोस्तों आप जो है कुनकुने पानी से जो है इसे 1 टाइम से 2 टाइम आप ले सकते हैं। अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो आप 1 टाइम लीजिएगा, अगर आप पानी के साथ ले रहे हैं तो आप 2 टाइम भी ले सकते हैं। कुनकुने पानी के साथ ही लेना है, खाना खाने के बाद लेना है आपको, आधे से 1 घंटे बाद लीजिएगा, या अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो बेड टाइम पर ले लीजिएगा। इससे दोस्तों होगा ये कि आपके शरीर में आई किसी भी तरीके की कमज़ोरी को ये जो है अश्वगंधा दूर करता है, और बॉडी पेन भी जो है दोस्तों ये दूर करता है। इवन जो है दोस्तों अश्वगंधा डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इसके जो है इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं कि वो शुगर लेवल को भी कम करता है, और डायबिटीज़ में होने वाली जो बॉडी पेन है, वीकनेस है, उससे भी जो है ये दूर करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ दोस्तों अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा जो है ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों जो है बाय मी अ कॉफ़ी पे मुझे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि दोस्तों जो कोविड की सिचुएशन है ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। आप भी जानते हैं कि जो मेरी मम्मी है वो कोविड से गुजरी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा मोनेटाइजेशन भी इनेबल नहीं हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप जो है मुझे सपोर्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।